एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे IG, ADG और यहाँ से हमने ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें STF को भी लगाया गया है और IG STF वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो STF यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहद ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। जिस कह सकते हैं कि बहुत ही जघन्य घटना को अंजाम दिया उन्होंने, जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला करके 8 लोगों को शहीद कर दिया, तो अब आप इसे फर्दर क्या फॉरेंसिक देखेगी, किस तरीके वेपन इस्तेमाल किए या आप लोगों ने किस तरीके के और इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी हमारे साथी घायल हुए हैं उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों, एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। हम कह सकते हैं पुलिस अभी बहुत सख्त इसके बाद एक्शन ले रही है, इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक जिले का वरन आसपास के सभी जिलों का, पूरे जोन के जिले के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है, उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई।